सब लोग सुबह सब लोग देख सकते। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश व्लॉग। सो गाइस, बड़े दिन से जैसे कि मैंने आपसे कहा था कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, बट आज मैं एक व्लॉग शूट करने के लिए बाहर आया हूँ घर से। और जैसे कि मैंने एक बार आपसे मॉर्निंग व्लॉग बनाया था, वैसे ही इसका पार्ट टू आप कह सकते हैं, इवनिंग व्लॉग है। और जो कि रात शाम को भी मैं थोड़ा टहलने वहलने आता हूँ, तो उसी का ये व्लॉग बना रहा हूँ। सेम उसी जगह पर जा रहा हूँ, बट ये शाम को बन रहा है और उस पर थोड़ा ट्विस्ट भी होगा इस व्लॉग में ये ट्विस्ट होगा कि मैं आज आपके सामने लाइव डेमो करूँगा। मतलब जो बिज़नेस में हम लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस में, उसी का एक लाइव डेमो ही करूँगा कि हम लोग ऑनलाइन लोगों से कैसे मिलते हैं और कैसे बात करते हैं। क्योंकि बहुत से हमारे पास लीड्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट पड़े हुए हैं जिनसे हमें बात करनी है, तो हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आज बात करेंगे। तो चलते फिर आगे, देखते हैं होता क्या, आप लोग बने रहिएगा। सो गाइस, मेरे साथ मैं रिशु को लेके आया हूँ, मतलब टहलने के लिए। और पिछले व्लॉग में शायद आपने देखा होगा मैं अकेले ही आया था, बट इस व्लॉग में मैं अपने साथ रिशु को लेके आया हूँ। और जो हम लोग बात भी करेंगे लोगों से ऑनलाइन कैसे बात करते हैं, वो सब आपको लाइव डेमो देखने को मिलेगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने हमारे पास कॉन्टैक्ट्स पड़े हैं बात करने के लिए। क्योंकि यार दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि लर्निंग भी करनी रहती है, ट्रेनिंग्स भी लेनी रहती हैं। क्योंकि अगर लर्निंग बंद हो जाएगी तो अर्निंग बंद हो जाएगी, इसलिए लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी ज़रूरी है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद थोड़ा टहलेंगे, फिर उसके बाद जब कॉल करेंगे उनको, मतलब उन्होंने अपना नंबर दिया है मुझे कॉल करनी उनसे, जो भी होगा सब आपको देखने मिलेगा। तो ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा। आप देख सकते हैं शाम का जो सीन है, क्या गजब का सीन है। और सामने देख सकते हैं टंकी, हम लोग वहाँ कभी कधार जाते हैं, उसके ऊपर भी चढ़ जाते हैं कभी कधार। और ये देख सकते हैं आप मौसम, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और मौसम अच्छा है। लेकिन गाइस, और हवा देखी चल रही है इसलिए कैमरा थोड़ा ब्लर भी हो जा रहा है, बट मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ मैं टहलने आता हूँ शाम को। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग आते टहलने, आपको अभी आगे देखने को मिलेगा कि काफ़ी लोग यहाँ आते टहलने। और काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ टहलने के लिए, आते लोग दूर दूर से आते हैं, 3-4 किलोमीटर से दूर लोग आते हैं सिर्फ यहाँ टहलने वॉक करने। क्योंकि आप जानते हैं कि हर जगह पॉल्यूशन है, बट यही एक प्लेस है जहाँ पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है और इन्वायरमेंट इसका अच्छा है। आपको हवा से पता चल ही रहा होगा कि कितनी भयंकर हवा चल रही है यहाँ पर। तो जो भी होगा आप उस सीन आगे देखने को मिलेगा। अभी हम लोग कहीं जाके बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। पहले हम लोग एक जगह बैठ चुके हैं और अब तो हवा भी तेज़ चली जैसे कि मैंने कहा आपसे, बट अब मैं आपको लाइव डेमो देने जा रहा हूँ। मुझे इसको कॉल करनी, मतलब उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कॉल करिएगा, बट हमें टाइम नहीं मिला उनको कॉल करने का दिन में, तो यही टाइम मिला है रात शाम को कॉल करने का। तो चलिए उनको कॉल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कॉल में क्या बात होती है पूरी, व्हाट इज़ ऑनलाइन बिजनेस, हम कैसे क्या काम करते हैं, सब आपको देखने मिलेगा। ये गाइस, तो हवा इतनी चल रही है कि किसी को, मतलब जो कॉल पे हम लोग बात कर रहे हैं वो आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो हमने जो कॉल वाला प्रोसेस था वो नहीं कर रहे हैं, मतलब कॉल तो हम कर रहे हैं बट उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी तो रिकॉर्ड करने का कुछ फ़ायदा नहीं। क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही वॉइस में। मैंने वीडियो देखा भी उसको कि आवाज़ आ रही कि नहीं, बिल्कुल तो आवाज़ शो नहीं कर रही। इसलिए कॉल वाला जो प्रोसेस था, मतलब जो आपको दिखाना था, वो कैंसिल कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़, मतलब ऑनलाइन बिज़नेस के क्या क्या फ़ायदे थे। कि ऑनलाइन बिज़नेस के ये फ़ायदा है कि यहाँ तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट एनी रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं है। जब आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क नहीं है, जाहिर सी बात है। और जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है कि जैसे आपको कोई बिज़नेस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब पैसा चाहिए लगाने के लिए। अगर आपको उस बिज़नेस के प्रॉफिट में 1000 रुपये कमाने हैं तो उसमें 1,00,000 लगाना पड़ेगा। लाखों को प्रॉफिट कमाना है तो करोड़ों लगाना पड़ेगा, और करोड़ों को प्रॉफिट कमाना है तो अरबों रुपये लगाना पड़ेगा। बट इसमें ये नहीं है, इसमें आपका विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट 1,00,000 करोड़ तक लोग प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर रहे हैं। और साथ साथ ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, सामान रखना पड़ेगा, देन उसके बाद सामान बेचना पड़ेगा। यहाँ आपको कोई दुकान नहीं है, सारा सब डिजिटल है। जितने भी हमारे पास ऐप हैं उसी से काम करते हैं, ऑनलाइन जो भी ऐप हमको मिलते हैं। और प्रोडक्ट्स तो सामान भी हम लोग को प्रोडक्ट भी नहीं बाय करने होते। बट देखिए, बिज़नेस का काम क्या होता है, बिज़नेस का होता है प्रोडक्ट सेलिंग, लेकिन यहाँ आपको सेल्समैन नहीं बनना है,
सेल्समैन होता है जो लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं, बट बिजनेस का यही मतलब होता है बेचना खरीदना, खरीदना बेचना। जब तक कुछ बिकेगा नहीं तो मतलब पैसा कहाँ से आएगा। सामान तो बिकता है बट सेल्समैन के तरीके नहीं, एज अ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर माइंड सेट से हम सामान बेचते नहीं, मतलब एंटरप्रेन्योर माइंड सेट से बिजनेस करते हैं। जो बेचने वाला काम होता है वो एक सेल्समैन का होता है, बट हम यहाँ सेल्समैन नहीं है, हम एज अ एंटरप्रेन्योर ये बिजनेस रन कर रहे हैं। सो गाइस, आप देख सकते होंगे मेरे पीछे की मौसम कितना अच्छा है, शायद आपको दिख रहा हो, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ, सो गाइस, आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा है, पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है और बादल बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस, मैं भी होप करता हूँ आप लोग भी ये मौसम इंजॉय कर रहे होंगे अपने घर में, और बाहर भी होंगे तो सेफ होंगे, और जो मैं मास्क सैनिटाइजर सब यूज़ कर रहे होंगे, बट मैं अभी सैनिटाइजर या फिर मास्क नहीं ले पहन के आया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, उसके बाद तो मैं घर ही चले जाऊँगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं लड़ाई हो गई, उसके मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ। हेलो 788-09-14-004। गाइस, आप लोग देख सकते हैं यार लड़ाई हो गई है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं वहाँ लड़ाई हो चुकी है, उसका भी मैंने रिकॉर्ड आपको रखकर दिखा रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज़ लड़ाई क्या हो गई। लड़ाई मैटर ये हो गया कि किसी ने किसी लड़की को छेड़ दिया है, तो उसी का मैटर हो गया थोड़ा सा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा के रिकॉर्ड कर दिया जाए, ताकि आप लोग भी ऐसा कभी ना करें ज़िंदगी में, अगर मार खाने से बचना चाहते हैं तो। बाकी अगर मार खाना है आपको तो आप भी कर सकते हैं ये, अभी मैंने आपको रिकॉर्डिंग करके नहीं दिखाया। क्या हो गया? लड़की को छेड़ दिया, इतना मार खाया उसने कि मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं किया, बट क्योंकि मैं किसी का वो दिखाना नहीं चाहता, बहुत मार खाया है। कौन सा बाइक से खा गया? हाँ, बहुत मार खाया वो तो। चला गया कि है? पता नहीं आया कि नहीं। देख सकते होंगे गाइस अब कितनी भीड़ है, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई यहाँ। भाग तुम लोग देख सकते हैं, पुलिस आ गई है, यहाँ से निकलना ही ज़्यादा सही रहेगा। सो गाइस, मैंने लड़ाई का भी जो जितना हुआ सब रिकॉर्ड कर दिया उस लड़के का, तो उस वह क्या मैटर हुआ है कि उसने यार किसी लड़की को छेड़ दिया और गलत तरीके से उसने छेड़ दिया है, और ऊपर से फुल नशे में है और अपनी गलती मान भी नहीं रहा, इसलिए पेला गया, खूब पेला लंडों ने, सबने पेला, और साथ साथ उसने एक लड़की छेड़ा तो छेड़ा बाइक से जाते हुए, बस साथ उसके साथ लड़की के साथ छोटा बच्चा था, उसको चोट लग गई और तब भी अपनी गलती नहीं मान रहा है, और तभी लोगों ने उसको खूब पेला, जो कि आपने देखा होगा वीडियो में, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी मिल लिया उसका। तो गाइस, आज के लोग बस यहीं तक रखते हैं, और ब्लॉग आपको पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।